नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने मंगलवार को 3 महीने की स्कूल की फीस माफी की मांग को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं गांधी पार्क मैदान में इकट्ठा हुए अभिभावकों और बच्चों ने कहा कि सरकार के आदेश के बावजूद भी उनसे स्कूल प्रबंधन फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। लाख गुजारिश के बाद भी स्कूल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। इस दौरान अभिभावकों का कहना था कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, घर में खाने तक को नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधन जबरन दबाव बना रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और कहा कि हर हाल में 3 महीने की फीस को माफ किया जाए, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया जाए। स्थानीय तौर पर प्रशासन से भी उन्होंने गुजारिश की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। मेरा नाम बलदेव चौधरी। फीस को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप लोग जो है लगातार जो है हम कर रहे हैं और हम लोगों के पास फिलहाल तो खाने पीने में ही समस्या हो रही है। 3 महीने से लगभग हम लोग घरों के अंदर रह रहे हैं और बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, और ऊपर से बच्चों की किताब लेने का भी टाइम आ गया। स्कूल वालों के फ़ोन आ रहे कि आप किताब ले लो, फीस जमा कराओ। हमारे पास तो फिलहाल खाने के ही लल्ले पड़ रहे। तो हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारी फीस, बच्चों की फीस माफ़ करने का काम करो और हमारे कुछ किताबों में भी रियायत दिलाने का काम करें। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं आपको, जैसे फीस वगैरह प्रिंसिपल मांग रहे हैं और क्या दिक्कतें हो रही हैं? प्रिंसिपल के स्कूल स्टाफ से फ़ोन आते हैं कि आप फीस जमा कराओ और बच्चों की किताब ले लो। तो अब हमारे पास फीस तो है ही नहीं और बच्चों की किताब लेने के लिए भी पैसा नहीं है। तो हमारी मोदी जी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोगों ने फीस माफ़ करवाई जाए और किताब लेने में भी कुछ रियायत दी जाए। आज आपके द्वारा जो है छोटा सा धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? COVID-19 में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया है। अचानक 20 तारीख को आवाज आनी शुरू हुई कि देश में एक दिन का लॉकडाउन होगा। 21 तारीख में मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को आदेश दिया कि भारत एक दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा और सब लोग घर में रहने का काम करें। 130 करोड़ जनता ने उनकी बात को मानते हुए अपने घरों में रहने का काम किया। लॉकडाउन बढ़ता रहा, लोग घरों में रहते रहे, रोजगार के सभी साधन खत्म होने का काम हो गया, आम आदमी रोजी रोटी से मोहताज होने का काम हो गया। तो कहीं ना कहीं लगभग 130 करोड़ लोगों ने मोदी जी को बात मानने का काम किया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक नारा देश विदेश में भी आने का काम हुआ। चुनाव के टाइम पे भी ये बात आई थी। मैं एक अभिभावक के रूप में ये मानता हूँ कि आज आर्थिक तंगी का दौर बड़े जोरों पर है। हम माँ बाप, हम अभिभावक, लगभग 80 करोड़ अभिभावक इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे पास खाने की स्थिति नहीं है तो फीस हम कहाँ से दें। तो आज हमारी मोदी जी से गुहार है कि मोदी जी, हम 130 करोड़ लोगों की आवाज़ को सुनकर, हम बच्चों के जो अभिभावकों की इज्जत जिल्लत जो सामने आ गई है कि अपने बच्चों के भविष्य को कैसे जिंदा रखें, अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बनाएं, जबकि हमारे पास रोजी रोटी नहीं है तो हम फीस कहाँ से दें, हम किताबें कहाँ से लें, कोई तरीका नहीं है। और स्कूल संस्थापक हमें जलील करने पर आ गए हैं, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, हर तरीके से हमें जलील करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, जब हमने आपके कहना मानकर मुमकिन करने का काम किया तो मोदी जी आज आप भी आगे बढ़ के हमें गले लगाने का काम करो और हमारे बच्चों की फीस माफ़ करने का काम करो। हम लोग सड़कों पर उतरकर आपका सम्मान और जय जयकार करने का काम करेंगे। आप DM साहब से भी मिले हैं तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? DM साहब ने कहा था हम बात करके आगे बात करने का काम करेंगे, लेकिन कोई अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। और जो हमने एक मुहिम चलाई है कि 27 तारीख को रात्रि पूरे भारतवर्ष के लोग अपने घरों पर मोमबत्ती लगाकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरे देश से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने का काम हो रहा है। कल भी रात्रि 8 बजे हम लोग दीप जला के मोदी से दोबारा पुकार करने का काम करेगा पूरा देश कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी से साकार करने का काम कीजिए और हम लोगों को जीवन दान देने का काम करें।